हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक पावरफुल कैनन बनाने वाला हूं, जो कि हम बनाएंगे इस तरह के सोल्डिंग मशीन से। ये जो सोल्डिंग मशीन आप देख रहे हैं, ये वर्क नहीं करता है, ये ख़राब हो चुका है, तो हम इसका यूज करके बनाएंगे। तो पहले हमें आयर का पॉइंट निकाल लेना है, इसका कोई वर्क नहीं है। और ये आपको ओपन कर लेना है, यहाँ से यहाँ पर स्क्रू होता है, तो यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ स्क्रू ड्राइवर से। देखिए, मैंने ओपन कर दिया इसे, और इसे निकालेंगे बाहर यहाँ से, देख सकते हैं। और इसके बाकी पार्ट को हमें रखना है साइड में, हमें सिर्फ इस एलिमेंट की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं ये एलिमेंट अंदर से पूरा भरा हुआ है, तो हमें इसके अंदर के मटेरियल को बाहर निकालना है और इसे हॉलो बनाना है। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर के मटेरियल को निकालने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ इस ड्रिल मशीन का। आप देख सकते हैं, आपको इस तरह से ड्रिल मशीन रखना है और इसके पीछे से ऐसे रखकर और इसे निकालना। देख सकते फ्रेंड्स, निकल रहा है। तो इसी तरह मैं पूरा इसे हॉलो कर देता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसके अंदर से पूरा सब कुछ निकल गया है, और इसके अंदर से निकला है एक इस टाइप का एलिमेंट। तो इसे रखते हैं साइड में। आप देख सकते हैं इसके अंदर से कितना सारा सैंड टाइप का कुछ निकला है, और ये है इसका एलिमेंट, बहुत ही पतला है। तो इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से भी पहले इस टाइप को हटाते हैं मैं। फ्रेंड्स, अब हमें इसके पीछे जो यहाँ पर होल है, इसे हमें बंद करना है। तो इस टाइप के नट को आप इस यहाँ पर कस दें। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से टाइट करना है आपको, नहीं तो आप जब इसके अंदर आग लगाएंगे तो ये धमाका पीछे से ही निकल जाएगा। इसमें प्लायर्स की मदद से अच्छे से टाइट कर देता हूँ, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इधर से मैंने यहाँ पर नट कस दिया, बहुत ही अच्छे से हो गया है। और हमें यहाँ पर एक होल करना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं यहाँ पर एक बड़े से ड्रिल बिट से यहाँ पर एक होल कर देता हूँ। इस तरह से आपको घुमा घुमा कर यहाँ पर एक होल करना है, जिससे इसके अंदर हम अपना फ्यूज लगा सकें। देखिए, इस तरह से आपको होल करना है यहाँ पर। तो हमारा कैन रेडी हो गया, अब हम इसमें इसका बॉडी बनाते हैं। इसे बॉडी बनाने के लिए मैं इसी सोल्डिंग मशीन का इस प्लास्टिक का यूज़ कर रहा हूँ, इसे मैं यहाँ पर कस दूँगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे मैंने यहाँ पर इसे कस दिया है, बहुत ही अच्छे टाइट करके कस दिया मैंने। अब हम इसका भील बनाएंगे। तो भील बनाने के लिए हमें चाहिए इस टाइप के दो बॉल बेयरिंग। आप देख सकते हैं इस टाइप के मैंने दो बॉल बेयरिंग लिए हैं। ये बॉल बेयरिंग आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पर आपको मिल जाएंगे 5 रुपीज़ में। आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने मोटर का आर्मेचर लगाया, जो कि आप देख सकते हैं इस टाइप का जो मोटर का आर्मेचर होता है, उससे इसे मैंने इसके अंदर डाल लिया। इस तरह को डालना है, और एक आपको इस तरह का पेन का टुकड़ा लेना है और इसके अंदर इसको डाल देना है। देखिए, मैंने डाल लिया है। इस टाइप से इधर भी इसको डाल देना है, देख सकते हैं बहुत ही फ्रीली मूव कर रहा है। अब आप देख सकते हैं सोल्डिंग मशीन में जो हमारा प्लास्टिक है, इसमें यहाँ पर एक बना हुआ है हुक, तो उसमें मैं इसे फंसा दें। मैं यहाँ इसे फंसा देता हूँ। हमारा कैनन रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से मूव भी कर रहा है। और मैं इसके आगे इस टाइप का एक प्लास्टिक लगाता हूँ, जिससे ये देखने में और अच्छा लगे। ये इस तरह से लग गया है, और यहाँ हमारा कैनन बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन एक दिक्कत, यहाँ पर ये इधर से उठ जा रहा है, तो यहाँ पर एक मैं एक नट लगा देता हूँ। फ्रेंड्स, हमारा कैनन बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये चारों दिशा में घूम सकता है, इधर से और इधर से, और अप डाउन भी कर सकता है, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, मस्त लग रहा है। फ्रेंड्स, अब हम अपने कैनन को लोड करेंगे। तो मैं लोड करने के लिए यहाँ पर यूज कर रहा हूँ इस बिजली बम के अंदर के बारूद का। तो इसका फ्यूज पहले हमें निकाल लेना है। तो इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह करके आपको यहाँ से इसका फ्यूज को निकाल लेना है। और इस यहाँ पर जो कैनन में जो होल है यहाँ पर, इसके अंदर हमें डाल लेना है। इस तरह से डाल लेना, देखिए मैं डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब हमें इसके अंदर जो यहाँ पर जो मटेरियल है, पहले हमें इस कटोरी में निकाल लेना। देखिए आ गया है, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है। अब असली बारूद यहाँ पर है, अब मैं इसके अंदर इस तरह से भर दूँगा। देखिए, इस तरह आपको भरना है।
इस तरह से। भर गया है पूरी तरह से। अब हम इसके अंदर इस तरह कॉटन डाल देंगे, हम इसके अंदर इस तरह से आपको डाल देना है पूरा, यहाँ तक आपको पैक करना है ऐसे अंदर ठेलने के लिए। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इस तरह के रड का, इससे मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। हम अच्छे से आपको टाइट कर देना है, मैंने टाइट कर दिया। इसके अंदर मैं बुलेट की जगह पर इस तरह के एक लोहे का पीस का यूज़ कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं। इसको मैं इसके अंदर इस तरह डाल दूँगा। देखिए हमारा कैनन पूरी तरह से लोड हो गया है, तो अब चलते हैं इसके टेस्ट करते हैं।